ज्ञान थी कि अपने बलबूते पे मैच का मात पलट सकता था, लेकिन कहा जाता है बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। गेंदबाज रंजिशर स्ट्राइक पर है एफासर डायमंड वारियर्स के कैप्टन, और नॉन स्ट्राइक पर है गुफरान सर वाइस कैप्टन। मोहसिन सर हमें बता रहे थे कि डायमंड वारियर्स के इस टूर्नामेंट में हमेशा ही लक चलती है, लक के घोड़े पर सवार रहती है डायमंड वारियर्स के कैप्टन, चेंज होते रहते हैं, जैसा कि इस वक्त अभी एहसास सर है। इनका जो तुरुप का जिसे कहा जाता है, और रेहान सर से बाहर पर का इशारा वाइट, एक्स्ट्रा ग्रुप में पहला रन आता हुआ। रेहान सर निदा स्कूल के जो टीचर है वो तुरुप का एक्का माना जाता है, और सभी प्लेयरों का बैलेंस लेकर चलते हैं और खुद भी अपना बैलेंस बनाते हैं। रेहान सर निदा खाता खोला, एक्स्ट्रा ग्रुप में एक रन है, स्कोर हो चुका है 2 रन। पहला रन जो कि बल्ले से लिया है एफासर ने, स्कोर हो चुका है 2 रन, पहला ओवर जारी। रंजिशर के रूप में सामना करेंगे गुफरान सर, इस मैच को निहारते हुए डायमंड वॉरियर्स के ओनर मेहराज खा पठान साहब काफी मसरूफियत रहती है, फिर भी अपनी टीम के लिए हौसला अफजाई के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि वो मंच पर आए। रंजीत सर के काफी लंबा रन आप रंजीत सर का सामना करेंगे गुफरान सर। अगली क्षेत्र में खेला हुआ शॉट देखना होगा, एक रन आसानी से पूरा कर लिया, अच्छी फील्ड वहां पे, स्कोर बढ़कर हुआ है 3 रन। मेरे साथ में जो स्कोर शीट का भार संभाले हुई है सोहेल सर, वसीम सर, और मेरे साथी कमेंटर जो हमारे ना रहते हुए इस टूर्नामेंट में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं वसीम सर, एक अच्छी कमेंट्री भी कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। नीचे रही समझ रहा था कि बल्लेबाज बैट और बल का कोई संपर्क नहीं, स्कोर रुका हुआ 3 रन। चीयर अप करते हुए गेंदबाज रंजीत सर का सभी प्लेयर है। यूटीए वारियर्स के 3 गेंदे हो चुकी है 3 रन, 2 बल्ले से आए 1 वाइड के, सारे 3 रन स्कोर हो चुका है। अच्छा वर घट्टा हुआ यूटीए वॉरियर्स के गेंदबाज रंजीत सर द्वारा, बल्लेबाज एफासर। रंजीत सर के सामना करेंगे एफासर, इस बार घुमाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का सही संपर्क नहीं, 1 रन से स्कोर बढ़कर हुआ है 4 रन। पहला ओवर जारी, अच्छी गेंदबाजी रंजीत सर द्वारा, विकेट कीपर साजिश सर है शायद, अच्छी विकेट कीपिंग, लेकिन काफी स्पीड से गेंद निकली। सूझबूझ के यहां पे एम्पायर अपना हर एक जजमेंट को निहार कर देते हुए, इस बार पॉइंट की दिशा में खेला शायद देख रहा हूँ डायरेक्ट हिट, लेकिन और यहाँ तो सर लेना चाहते आफ है सर, लेकिन थोड़ा यहाँ पर क्रिकेट में कबड्डी आ गई, कुछ नहीं हुआ लेकिन रन नहीं लेने दिया। अच्छी फील्डिंग दोनों की, सबील अहमद सर और आसिफ सर। काफी
लंबा रन अप सामना करेंगे उफरान सर। अच्छी गेंदबाजी फिर तनवीर सर के हाथों में गया, अच्छी फील्ड वहां पे तनवीर सर द्वारा ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के डायमंड वॉरियर्स का स्कोर हुआ है 4 रन। चार हुआ सर, एक वाइड 3 बल्ले से आए, 2 डॉट गेने हैं, 3 डॉट गेने हैं जहां पे 2 बार तो तनवीर सर ने फील्डिंग की और एक बार जो नीचे रही गेंद। 4 रन हो चुके हैं। फास्ट लेना है, इसके बाद और 4 मुकाबले होना है। आज के दिन का यह 3रा मुकाबला। तनवीर सर अपनी टीम के लिए सब कुछ दांव पे लगाते हुए प्रॉब्लम होने के बाद में भी गेंद को हाथ में थामाए, देखना है किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे। हौसले बुलंद हो तो इरादों में भी जान आती है, उसी तरीके का प्रदर्शन करते हुए तनवीर सर पहली गेंद से 1 रन जरूर है, स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। अब स्ट्राइक पर आया है गुफरान सर, एक सूझबूझ के अभी बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज, पहले बल्लेबाजी को आगे ले जा रहा है उसके बाद हिटिंग करने का सोचे, क्योंकि दो एक अच्छे बल्ले गेंदबाज है, उनको पहले विकेट बचा के खेला जाए। इस बार कड़ा पड़ार, 4 रनों के लिए पहला चौका लगता हुआ गुफरान सर के बल्ले से, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। पहला चौका लगाया है गुफरान सर ने और अपनी टीम का स्कोर बढ़ाया और उनका निजी स्कोर हुआ है 5 रन। तनवीर सर की इस बार ऑफसाइड की दिशा में देखना होगा और ये कोशिश जरूर की, लेकिन ये दूसरा बैक टू बैक चौका लगाते हुए गुफरान सर स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। पहले ओवर में जो मात्र 4 रन आए थे उसके बाद में तरवीन सर के ओवर से 2 चौके लगाकर स्कोर में बढ़ोतरी होती, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अपने बाहें खोलते हुए हाथ खोलते हैं गुफरान सर, जिसकी जरूरत थी। तनवीर सर की गेंद इस बार लेग साइड दिशा में खेला, शायद देखना होगा जब तक प्लेयर फील करते हैं, आसानी से 1 रन मुकम्मल कर लेंगे, स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। दूसरा ओवर जारी, तनवीर सर की गेंद सामना करेंगे एफएस सर, देखना होगा दोनों कैप्टनों के बीच मुकाबला, डायमंड वॉरियर्स के कैप्टन और यूटीआई वॉरियर्स के कैप्टन, लेकिन इस बार हल्के हाथों से मिड ऑन की दिशा में खेल दिया 1 रन के लिए, स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। इस ओवर से अभी तक 11 रन बटोरे हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस ओवर की लास्ट गेंद सामना करेंगे गुफरान सर, जो कि 2 चौके लगा के खेल रहे हैं। इस बार पकड़े गए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तनवीर सर कहां मानने वाले थे, अपनी कैप्टन की भूमिका निभाते पहला विकेट और पहली सफलता दिलाई गुफरान सर के रूप में, झटका लगता हुआ 15 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा डायमंड वॉरियर्स का। 10 रन बना के लौटते हुए जिसमें 2 चौके शामिल है, लेकिन आखिरी गेंद पर विकेट बटोरी यहां पे तनवीर सर ने और नए बल्लेबाज आए बाबा राठौड़। बाबा तायले सर कल काफी अच्छी हिटिंग कर रहे थे, आज देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, उनका साथ देंगे डायमंड वॉरियर्स के कैप्टन एफएस सर और आगे कमेंट्री का भार संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर मोहसिन सर। जज़ाकअल्लाह अफसर भाई। बॉलर रामटेके सर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर और सामना करेंगे डायमंड्स वॉरियर्स के आइकॉन खिलाड़ी कैप्टन एफ़ास सर, उनका साथ
साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक पे है बाबा ताइडे सर और बॉलर सर रामटेके सर। अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर थोड़ी फील्ड में तब्दीली। फर्स्ट बॉल टू को सामना करेंगे एफआर सर। शान मैच चलता हुआ और ये घुमाना चाहते थे और बहुत बड़ा झटका। सर्कल में अटैकिंग फील्डिंग लगा के रखे थे एफआर सर के लिए और टाइमिंग नहीं कर पाए सही। एफआर सर ऑफसाइड की दिशा में उठाकर मारना चाहते थे और दूसरा झटका। सबील सर, अशफाक सर, शोएब सर, जबरदस्त टीम। और ये ब्लॉक ऑल गेंद समझ नहीं पाए। कवर की दिशा में खेलना चाहते थे श्रीकांत सर। ऐसी गेंदें घातक होती है, खेलना मुश्किल। बहुत अच्छा हुआ अभी तक का रामटेके सर का। अगली गेंद सामना करेंगे देशमुख सर। जबरदस्त शॉट और सीधा फील्डर के हाथों में। अगले बल्लेबाज सरोज सर, कैच अशफाक सर ने लिया। हाथ बता दो अशफाक सर। सरोज सर इस साल काफी फॉर्म में। सरोज सर अपने जौहर दिखाए हैं प्रैक्टिस में और इसके पहले के मैच में एक बॉल खेलने को मिली थी उस पर भी बड़ा हिट लगाया 6 रन के लिए। बैट्समैन नेम है सरोज सर। रामटेके सर का आते ही विकेट की झड़ी लगा दी रामटेके सर ने। और अच्छा गैप में शॉट, थोड़ी मिस फील्ड लेकिन एक ही रन। सरार सर की अच्छी फील्डिंग वहां पे। जोश के साथ चेयरिंग के साथ खेलते हुए यूटीए वॉरियर्स हावी होते हुए डायमंड वॉरियर्स। बाबा ताइडे सर जो अच्छी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं अभी भी क्रीज पे मौजूद। और ये खड़े खड़े खेल दिया है, फील्डर दर्शक बन गए। समझ नहीं आया तेज शॉट। डायमंड का ये डायमंड इस साल खूब चमक रहा है। अगली बॉल रामटेके सर की। ओ सम्मान दिया, अच्छी क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट, सही सोच। बड़ी हिट के बाद एक आंखों ही आंखों में एक रन चुरा लिया। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पे और ड्रिंक्स टाइम। पास गाड़ी ला ले और एम्पायर जल्द से जल्द मैच को
रिस्टार्ट करें। राइटर्स, मैं साजिद सर से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज की तरफ आए। यहाँ जुनेद सर मौजूद है, टॉस कर लेते हैं। साजिद सर, तहसीन रजा सर ने एक शर्ट लेके आए हैं, चेक्स की शर्ट है, ग्रीन कलर की। जिस किसी के भी होंगी तो यहाँ से लेके जाए, वरना इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच रहेगा उसे हम दे देंगे। जिस किसी की भी होंगी वो लेके जाए। स्कोर 23 रन धनिल भाई, 3 ओवर। मजार सर साजिद सर नहीं है क्या? ठीक है। मैच फास्ट शुरू करें, गुजारिश है आपसे। इसके बाद और 4 मैचेस हैं। फिर से अनाउंसमेंट की जा रही है कि रयान राइडर्स की ओर से कैप्टन जमीर सर यहां आ जाए, और यहाँ पे जुनेद सर मौजूद है, यहाँ पे टॉस हो जाएगा दोनों के बीच। जमीर सर आइए आप। और ये बड़ी हिट मारना चाहते थे लेकिन शॉर्ट गेंद, और आसिफ सर जज नहीं कर पाए। देखना है क्या हो पाता है। ये मैच विनिंग कैच हो सकती थी। नो बॉल है सर, बच गए आप आसिफ सर, कोई बात नहीं। नो बॉल, फ्री हिट, 2 रन और 1 नो बॉल का अतिरिक्त रन। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट की फर्स्ट नो बॉल है। इसके पहले शायद हाइट की नो बॉल हुई थी, ये पैर की फर्स्ट नो बॉल है शायद, हाइट की है भी। ओके, और मौका, लेकिन हो सकता है साजिद सर ने जानबूझ के छोड़े। तेज बॉलिंग करते हुए, जिस शैली के ये गेंदबाज है उसी तरह से अपनी बॉलिंग करते हुए, बड़ा रन अप, तेज बॉलिंग और उसी रफ्तार वाला बैट्समैन सामने, जबरदस्त शॉट, जितना ऊंचा गया है और बाहर गया है। बढ़िया कैच अदर सर। खूबसूरत बैटिंग करते हुए, देखना है कि रंजीत सर वापसी कर पाते हैं। अच्छे बॉलर है, वापसी करना जानते हैं। फिर से एक शॉट बॉल और खामियाजा, सेम 6 रन, कंटिन्यू 2-6। अगर ये अगली बॉल पे भी 6 लगाते हैं तो 100 रुपए का इनाम बाबा ताड़े सर को मन से दिया जाएगा। जमीर सर यहाँ आ चुके हैं और जुनेद सर भी यहाँ मौजूद है। मैं अफसर भाई से गुजारिश करता हूँ कि दोनों के दरमियान
अगले मैच के लिए टॉस करने। जुनेश सर टॉस के लिए दिया सर, फोटो ले लो। हाँ फोटो ले लेंगे ना। और ये मिस करते हुए असरार सर क्रॉस के लिए, असरार सर आ जाओ। और जो कि बड़ा रन था ये सेकंड, लेकिन मिसफील्ड के चलते पूरा कर लिया। लास्ट बॉल इस ओवर की बाबा ताइडे सर ने डायमंड वॉरियर्स की तरफ से वापसी कर दी है। 23 रन बना के खेल रहे हैं 8 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। फिर से तेज शॉट घुमाना चाहते थे। जारोन सोल्जर्स वन द टॉस, डिसीजन पेंडिंग। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 40 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट और मैच फासले अगली 2 ओवर के लिए। जो मैच का हाल है वो हमारे अफसर भाई बताएंगे, कहीं ना जाए। शुक्रिया मोहसिन सर जो इस मैच का आंखों देखा हल बता रहे थे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर डायमंड वॉरियर्स का स्कोर हुआ है 40 रन, 2 ओवर आना बाकी है। देखना है कितने रन जुटा पाती है यूटीआई वॉरियर्स के सामने, कितना टारगेट दे पाती है डायमंड वॉरियर्स। दोनों ही टीमें काफ़ी काबिलियत रखते हैं, एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं बाबा ताइडे सर और स्ट्राइक पर है सरोज सर, गेंदबाज है तन्वीर सर अपने स्पेल का सेकंड ओवर। जी गेंद नीचे रही समझ सके, चेयर अप करते हुए सभी प्लेयर्स तन्वीर सर की गेंदबाजी का। इसको रुका हुआ 40 रन अपने स्पेल का सेकंड ओवर। टीम की ओर से 5 ओवर लेकर आए हैं तन्वीर सर, सामना करेंगे सरोज सर। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड गेंद, स्कोर हुआ है 41 रन। काफी सूझबूझ के एम्पायरशिप करते हुए मेन एम्पायर की भूमिका निभा रहे इरफान सर उनका साथ दे रहे हैं। आदिल सर गेंदबाज है तन्वीर सर, तन्वीर सर क्या यहाँ पे क्लीन बॉल कर दिया और चौथा विकेट। इसके बाद जो मुकाबला होगा जारून सोल्जर वर्सेस रयान राइडर्स के बीच, टॉस जीता है जारून सोल्जर ने और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। जिया सर पहले बल्लेबाजी करेंगे और सरोज सर के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए अनवर सर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर वसीम सर, तनवीर सर द्वारा अपनी टीम के लिए जी जान लगा दे रहे हैं। फिर नहीं थे वो, उससे बात हुई लेकिन अपनी टीम के लिए तैयार है यूटीआई वॉरियर्स के लिए। एक जुनून क्रिकेट का उनका हौसला अफजाई करते साथी प्लेयर जानते हैं तनवीर सर की गेंद। इस बार अवसर की दिशा में खेला, देखना अपने हाथों से फील्ड किया और अपनी समझदारी भी दिखाई साथी बल्ले।
आशीष सर नए बल्लेबाज, काशिश सर नए बल्लेबाज आते हुए अनवर सर के, काशिश सर अगर बल्लेबाजी के लिए जा रहे हो तो बल्ला उठाएं, काशिश सर शुक्रिया सर। इस टाइप पर है काशिश सर, गेंदबाज है तनवीर सर, अपने लय में नजर आते हुए तनवीर सर, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए बाबा दायरी सर, जिनसे काफी उम्मीदें होगी, और तेज तरार गेंद नीचे रही, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सटीक गेंदबाजी लय में नजर आते हुए तनवीर सर। तनवीर सर के गेंद सामना करेंगे काशिश सर, इस बार देखना होगा मिड ऑन की ओर जाती हुई गेंद, जब तक प्लेयर फील करते हैं रन आसानी से लेना चाहते थे लेकिन नई साथी बल्लेबाज ने मना किया, जानते हैं और इस ओवर की लास्ट गेंद मात्र एक रन आया सर इससे। वसीम सर अच्छा ओवर घटता हुआ यूटी वॉरियर्स की जानिब से तनवीर सर द्वारा, और यहाँ पर एक और विकेट का पतन, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, दो एक रन देके दो विकेट हासिल किए, एक रन आउट के रूप में विकेट आया, इस ओवर से तीन विकेट आए, और अगले बल्लेबाज अगर नवेद सर होंगे तो नवेद सर हाथ बता दे, नवेद सर ही है, मुस्कुराहट भरा चेहरा नवेद सर का ही हो सकता है, और ये इस टीम की मजबूत कड़ी है जो इस टीम को गिरने नहीं देती, हमारे ऐसे नवेद सर जो बल्लेबाजी का भार संभालेंगे, और इसरार सर अपने कोटे का पहला ओवर, और सामना करेंगे धुआंधार बल्लेबाज बाबा ताइडे सर, जिस तरह से वो बल्ला लेके खड़े हैं कहीं बॉल न फोड़ दे, बहुत मजा आ रहा है सर आपकी बैटिंग देखने में। सरार सर की पहली बॉल, सामना करेंगे बाबा ताइडे सर, अगला पांच गेंदों का हाल सुनाएंगे अफसर भाई। शुक्रिया वसीम सर, अब यहाँ पे देख रहा हूँ हाँ में एक रन आउट दूसरे रन के लिए निकल पड़े, और ये रन आउट जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है, और इसका पूरा पूरा शेव यूटीए के सभी प्लेयर झटका, जो अच्छी बल्लेबाजी करे, दो सिक्स लगा के खेल रहे थे, इन्होंने टीम के स्कोर में बढ़ोतरी की थी, वो विकेट यहाँ पे हासिल किया यूटीए ने अपनी फील्डिंग के दम पर, और 42 रन के स्कोर पे सातवां झटका लगता हुआ 42 रन के स्कोर पर बाबा ताइडे सर, बाबा ताइडे सर के आउट होने के बाद आए हैं ताइडे सर, ये राहुल ताइडे आउट होके जो गए बाबा ताइडे, गेंदबाज है इसरार सर, अच्छी गेंद काफी शॉर्ट गेंद, सर 22 के रूप में रन है कि बैट से आया, बैट से आता हुआ रन स्कोर हुआ है 43 रन। नवेद सर अगर सिक्स लगाते हैं तो पहला इनाम आया है ये 201, मोहसिन सर देंगे 201 नवेद सर, 201 वसीम सर, 201 अलीम सर, 804 रुपए हो चुके हैं, देखना मसीक लगता है कि नहीं, लेकिन ये चौका भी नहीं जाने दिया, अच्छी फील वहां पे, हाँ ना मैं दो रन कंप्लीट कर लियो, सिक्स लगा देते थे तो 804 रुपए यहाँ पे हमने जमा कर लिए थे, इनाम बरकरार है, चार सरों ने नवेद सर के लिए इनाम रखा है, वसीम सर, नवेद सर, मोहसिन सर और अलीम सर, 804 रुपए देना होगा, 4 रुपए भी नकद लगेंगे, इनाम बरकरार है, लेकिन
से आई और देखना होगा। और यहाँ पे अच्छी रनिंग, पैसों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बड़ा टूर्नामेंट अपनी पारी खेलते हुए दो रन ले लिए। और दो गेंदों में सिक्स नहीं लगाने के कारण अब जो इनाम है 201 था वो 101 हो गया, इसलिए 404 मिलेंगे अगर आप सिक्स लगाते हैं। एक सिक्स लगाना है और 404 लेना है। और ये गेंद अगर डॉट जाती है उसके बाद इनाम में और कमी होगी, इस बात का ध्यान रखें। जल्द से जल्द लगाना होगा सिक्स और इनाम प्राप्त करना होगा 404। आगे निकले थे लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद, नवेश सर ने पैसे के लिए 47 रन हुआ है। सबील अहमद सर, पांच गेंदें हो चुकी है और एक गेंद बची हुई है, 404 का इनाम चाहिए थे, एक सिक्स से लगाना होगा नवेश सर को। इस सर की गेंद और एक रन लेग पैस के रूप में आता हुआ स्कोर हो चुका है 48 रन, 48 रन बनाए हैं डायमंड वॉरियर्स ने जीत के लिए। 49 रन का लक्ष्य है, 48 रन बना है, 150 रन जीत के लिए चाहिए यूटीए वॉरियर्स को। जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाए डायमंड वॉरियर्स। और नवेश सर का जो इनाम है, मैं चाहता हूं कि अपने अपने सर ये पैसे उठा ले, जेब में रख ले, बार बार निकालना पड़ रहा है, लेकिन कोई तो ऐसा बल्लेबाज होगा जो आपके पैसे लेके जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए, पहले पैसे जमा करने में तभी ऐलान होगा, जैसा कि अभी जमा कराए थे चारों सर ने, नवेश सर के लिए जमा कराए थे।
जब तक गुफरान भाई फील्ड करते एक रन मुकम्मल। स्ट्राइक पर आएंगे इस टूर्नामेंट के इन फॉर्म बल्लेबाज सबील अहमद सर, जो इस साल इस टूर्नामेंट में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए एहफाज सर की अगली बॉल सामना करेंगे सबील सर। इमरान सर और उमेर भाई दोनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और एक हिट लगाई यहाँ पे, लेकिन एक रन मुकम्मल, दो गेंदे दो रन, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। सोच के आए पवेलियन एंड से के धीरे धीरे इनिंग को बिल्ड करेंगे। एहफाज सर को ये छोटे छोटे रन रोकने होंगे। तीसरी बॉल और हल्के हाथों से खेल दिया है, देखना है कितने रन जुड़ा पाते हैं। तेजी के साथ बॉल पे गए और हम यादव कर सकते हैं, लेकिन एक अपील, एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। जबरदस्त रनिंग, शायद रन मुकम्मल हो गया है। एम्पायर ओके नॉट आउट। तेजी से बॉल पे गए थे गुफरान सर, लेकिन जब तक बॉल को कलेक्ट करते तेजी के साथ दो रन मुकम्मल। जोखिम भरा रन था सेकंड, लेकिन मुकम्मल करते हुए तीन गेंदे चार रन। एहफाज सर की अगली बॉल सामना करेंगे अशफाक सर और नॉन स्ट्राइक पे सबील सर। पॉइंट की दिशा में राहुल ताइडे सर, और जो बच्चा अंदर आ गया है मैदान में वो बाहर चले जाए बेटा। अगली बॉल एहफाज सर की सामना करेंगे अशफाक सर। और जबरदस्त शॉट, लेकिन ऊंची जरूर गई है और अपने ही फॉलो थ्रो में आसान नहीं होता है। जबरदस्त फील्डर एहफाज सर और उतनी ही अच्छी कैच। पहला झटका लगता हुआ अशफाक सर के रूप में यूटीए वॉरियर्स। पहला झटका ओपनिंग बल्लेबाज अशफाक सर के रूप में, अगले बल्लेबाज साजिद सर। इस बार थोड़ी तरतीब यूटीए वॉरियर्स की तरफ से चेंज हुई थी, ओपनिंग का भार साजिद सर संभाल रहे थे, लेकिन इस बार वो वन डाउन आते हुए दोनों ही हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। दोनों बल्लेबाज जितने अच्छे बल्लेबाज उतने अच्छे गेंदबाज, खूबसूरत गेंदबाज एहफाज सर 100% देते हैं अपना हर मैच में, और इस टीम के कैप्टन एहफाज सर। अगली बॉल एहफाज सर की सामना करेंगे साजिद सर। और नवे सर की बेहतरीन फील्डिंग, जल्दी पिक करके जल्दी फेंका, जबरदस्त फील्ड वहां नवे सर की। और एक बात बता दूं कि जितने दर्शक यहाँ आते हैं सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग हमारे नवेद सर की रहती है। लास्ट बॉल इस पहले ओवर की सामना करेंगे सबील सर। लास्ट बॉल और ताकतवर शॉट, पहले ओवर की समाप्ति पे लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर वन ओवर। और सेकंड ओवर लेके आएंगे बाबा ताइडे सर अपने गोटे का पहला ओवर। अच्छा ओवर गया था एहफाज सर का, एक विकेट भी चटकाई थी, लेकिन
एक जोरदार सिक्स मारते हुए सबिल सर मंशा दर्शा दिए सबिल सर ने, क्या वो मारकर ये फास्ट ही खेलते हैं, जोश के साथ अपनी बैटिंग को करते हैं। ताइडे सर जितनी खूबसूरत बल्लेबाजी की है, देखना है गेंदबाजी में क्या जौहर दिखाते हैं। पहला ओवर और घुमाना चाहते थे लेकिन नीचे रह गई गेंद, तेजी के साथ टप्पा खा के कीपर के दस्तानों में। अच्छी स्टार्ट ताइडे सर की। अगली बॉल सामना करेंगे साजिद सर और जबरदस्त शॉट, देखना है एक जबरदस्त शॉट लेकिन जबरदस्त फील्डर के हाथों में, यहां से बॉल पार जाना बड़ा मुश्किल। एनर्जी के साथ फील्ड करते हैं, दीवार की तरह खड़े रहते हैं अनवर शैदा सर। अगली बॉल राहुल ताइडे सर की, सॉरी बाबा ताइडे सर की। और सीधा शॉट, एक मौका बन सकता था लेकिन नो मैन्स लैंड में बॉल गिरी है। देशमुख सर की अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छा ओवर घटता हुआ, जिस तरह की बल्लेबाजी की है उसी तरह की बॉलिंग भी यहां दर्शाते हुए बाबा ताइडे सर। और ये इस मैच का खूबसूरत कैच, खूबसूरत देते हैं, जबरदस्त कैच एहफाज सर। अगले बल्लेबाज साजिद सर के आउट होने के बाद साजिद सर, दोनों ही बटनेरा के रहवासी और जबरदस्त प्लेयर मोहम्मद साजिद सर। साजिद सर ने जो है इसके पहले कल के दिन एक संभव बांधा था रॉयल स्ट्राइकर्स की गेंदबाजी के सामने, अकेले बल्लेबाज ने मैच को निकाल के लेके गया। खूबसूरत बल्लेबाजी के लिए उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया और देखना है आज टीम को जरूरत उनकी। पहला ही ऑफसाइड की दिशा में लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग सरस सर की। अच्छा ओवर बाबा ताइडे सर का अभी तक का घटता हुआ। लास्ट बॉल इस ओवर की, 14 रन स्कोर आखिरी बॉल। इसके बाद आप एक बात सोच ले सर, सर सर एक मिनट सर, बाबा सर एम्पायर, आप दोनों को ये बताया गया था कि इसके पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी कि अगर कोई बॉलर स्टाम्पिंग स्टाम्प के लिए जाता है, विकेट के लिए अपील करता है और अगर बैट्समैन क्रीज में रहता है तो ये नो बॉल मानी जाएंगी और इस पे फ्री हिट रहेंगी अगर बैट्समैन क्रीज के अंदर है तो, और अगर बाहर है तो आउट रहेगा, ये बता दिया गया था। तो ये आप समझ के खेले, ये डिसीजन अनाउंसमेंट यहाँ हुई थी। नवे सर आप यहाँ पे पहले ही सुबह से अनाउंसमेंट चल रही है, ये सभी के लिए है, इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एक मिनट रुकिए, ये जो है इसके बाद सभी टीमें यहाँ जितनी बैठी है ये ध्यान रखे कि ये जो डिसीजन है यही डिसीजन रहेगा, नो बॉल रहेंगी अगर बैट्समैन क्रीज के अंदर रहता है तो, और बाहर रहा तो वो आउट रहेगा। लास्ट बॉल कंटिन्यू मैच।
थी। दो ओवर की समाप्ति 15 रन। बोल दो एक बार। यूटीए वॉरियर्स का स्कोर हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन। अभी जो इस मैच का आंखों देखा हाल बता रहे थे मोहसिन सर, और जो डिसीजन के बारे में, इस गेंद के बारे में बात बताऊंगा मैं। वाइड का इशारा दिखाते हैं, स्कोर हुआ है 16 रन। ये रूल जो लागू किए रहते हैं सभी को मान्य, सभी के लिए है, तो कोई भी ऐसा शोर ना करे। थोड़ी एम्पायर की देरी हो गई थी इसलिए जजमेंट को वापस लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन सभी के लिए वो जजमेंट लागू रहेगा अगर क्रीज के अंदर बल्लेबाज रहता है और गेंदबाज स्टंप को गेंद लगाता है तो नो बॉल रहेगी। अगर रन आउट है तो फिर उसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। इसको रुका हुआ 16 रन, तीसरा ओवर जारी। गेंदबाज है राहुल तायरे, सामना करेंगे सबील अहमद। सबील अहमद सर जो कि इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और करा रहे थे, यहाँ पे सबील अहमद के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए इसको। राहुल तायरे के रूप में का पार करते हुए सबील सबील अहमद सर, और इस बार एक सर की दिशा में देखना होगा, दूसरा बैक टू बैक 6 लगाते हुए शामिल है, 3 करारे सिक्स शामिल है। स्कोर बढ़कर हुआ है 28 रन, 150 रनों की दरकरार थी, और वहां पे अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए सबील अहमद। अभी जीत के लिए चाहिए 21 गेंदों में 21 रनों की जरूरत, स्कोर हो चुका है 28 रन। तीसरा ओवर जारी, राहुल तारे के रूप में और ऑफ स्टंप से काफी बार एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद, स्कोर हुआ है 130 रन, 21 गेंदे 20 रन। गेंदे ज्यादा और रन कम, ऐसा बहुत कम होता है, और यहाँ पर जो इस मैच को बनाने में सारा जो मजबूती प्रदान की अपनी टीम को यूटीए वॉरियर्स के सबील अहमद है, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करके इस बार देख सकते अच्छी फील। वहां पे कोई रन नहीं, इसको रुका हुआ 29 रन, 20 गेंदे 20 रनों की जरूरत, स्ट्राइक पर है सबील अहमद, उनका साथ दे रहे हैं। साजिश सर, गेंदबाज है राहुल तायरे सर, आगे निकल के यहाँ पे खेला देखना होगा, और यहाँ पे कैच मिस होता हुआ और एक बड़ा झटका लग सकता था, कोशिश जरूर की लेकिन ना काफी रही। एक अच्छा फील्डर की भूमिका निभा रहे अनवर सर, अनवर शहदा सर, जैसे ही कैच बना लेते उनके भाई इमरान शहदा सर इनाम लेके तैयार थे, बड़े भाई का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे तैयार इमरान शहदा सर। तीन ओवर हो चुके, ड्रिंक जल्द से जल्द ड्रिंक को पहुंचाना है 3 ओवर के समाप्ति के बाद। समाप्ति के बाद यूटीए वॉरियर्स का स्कोर हुआ 31 रन, और यहां से जीत के लिए चाहिए 18 गेंदों में 18 रन, और इसके बाद जो मुकाबला होगा दोनों ही टीमें तैयार रहे, जारून सोल्जर वर्सेस रैयान राइडर्स,
टॉस जीता है। यहाँ पर जारून सोल्जर ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, फील्डिंग सजाना होगा इस 3 ओवर के बाद तुरंत रैयान राइडर्स को। डायमंड वॉरियर्स का जो तुरुप का एक कहा जाता है, रियान सर अपने प्लेयरों के साथ कुछ सूझबूझ भरा जजमेंट देते हुए समझाते हुए 18 गेंदों में 18 रन चाहिए, कुछ भी हो सकता है, एक छठी गेंदबाजी की जरूरत है। कई ऐसे गेम हमने पलटते हुए देखे हैं, अभी भी दोनों के पक्ष में है मैच। 18 गेंदों में 31 रन बनाया जिसमें एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं सबील अहमद। गेंदबाज अपने स्पेल का सेकंड ओवर टीम की ओर से चौथा ओवर लेके आए बाबा ताहिर सर सामना करेंगे। साजिश सर इस बार देखना होगा और यहाँ पर ये आसान कैच को छोड़ दिया, ये खामियाजा भुगतना होगा डायमंड वॉरियर्स को। स्कोर बढ़कर हुआ है 35 रन, काफी हताश यहाँ पे बाबा ताहिर। श्रीकांत देशमुख सर जो कि एक अच्छे प्लेयर थे, लेकिन होता है बड़े बड़े मैचेस में गलतियां होती है, उसी गलती का खामियाजा आपको काफी भुगतना होगा। अच्छे फील्ड एक रन जरूर मुकम्मल होगा, स्कोर बढ़कर हुआ है 36 रन, स्ट्राइक पर आए सबील अहमद सर। सबील अहमद जो कि इस टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाबा ताहिर सर की गेंद सामना करेंगे सबील अहमद। सम्मान दिया पे अच्छी गेंद को सम्मान, सूझबूझ की यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, साजिश सर और सबील अहमद सर। डिसीजन अपना डिसीजन जल्दी जल्दी नॉट आउट करा दिया यहां पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पे बांध के रखा है सबील अहमद जैसे बल्लेबाज को, जो इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी बल्लेबाजी उतनी अच्छी गेंदबाजी पे बाबा ताहिर सर अपने दिखाते हुए ऑलराउंडर की भूमिका निभाते बाबा ताहिर सर। और यहाँ पे देखना होगा लेग साइड खेलना चाहते थे, इस तरीके से बल्ले पे अच्छी फील्ड वहां पे, स्कोर हुआ 36 रन। सबील अहमद सर देखना है किस तरफ ये मैच झुकता है। अच्छा ओवर अभी तक बांध के रखा है बाबा सर ने, काफी चांसेस मिले लेकिन उसको कलेक्ट नहीं कर पाए फील्डर, फिर से तेज गेंद, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 36 रन।
गेंदों में चाहिए 13 रन। यूटीए वॉरियर्स के लिए 12 गेंदों में 13 रन। डायमंड के लिए एफर्ट करने की जरूरत, अगर इस मैच को जीतना है देखना है ओवर कौन लेके आता है, शायद एहसास सर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आएंगे। 12 गेंदे 13 रन सामना करेंगे साजिश सर। स्कोरर नवेद भाई जो स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं काफी देर से, और उनका साथ दे रहे हैं सोहेल सर जो क्रिक हीरोज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम इनका शुक्र अदा करते हैं। एहसास सर दूसरा ओवर लेकर अपने कोटे का टीम के लिए 5 ओवर सामना करेंगे साजिश सर। हल्के हाथों से खेल लिया जब तक फील्डर फील्ड करता है 1 रन मुकम्मल 11 गेंदे 12 रन। आसान सा लक्ष्य लेकिन मैच है, कुछ भी हो सकता है। ओके अच्छा एफर्ट वहां पर आंसर का, लेकिन उनकी दिशा से काफी दूर बॉल, अच्छा ट्राई किए। अगली बॉल रे एफएस सर की सामना करेंगे साजिश सर। फिर से आउटसाइड की दिशा में खेलना चाहते थे, तेज गेंद, काफी सूझबूझ भरी बैटिंग करते हैं साजिश सर, अंत तक अपनी बैटिंग को ले जाते हैं और टीम को इसके पहले भी ऐसी फतेह दिलाई इन्होंने। 7 गेंदे 5 रन। रन करते हुए गेंदबाजी में ओवर की समाप्ति। जो बच्चे चेयर्स पे बैठे हैं वो चेयर्स यहाँ स्टेज के सामने ला दे, मेहमानों के लिए चेयर्स लगने वाली है बेटा। यहाँ पे अभी कुछ मेहमान आ रहे हैं, यहाँ सामने रख दो। हाँ आसिफ सर कुछ बोल रहे हैं, अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं अनवर शहजाद सर, 6 गेंदों में चाहिए 5 रन। पहली बॉल सबिल सर के लिए और जबरदस्त गेंद अनवर शहजाद
किया सर कि 5 गेंदे 5 रन, ये बैटल बहुत जबरदस्त होने वाला है। पहली बॉल पे दर्शा दिया है यहाँ पे अनवर शहदा सर ने, दूसरी गेंद सामना करेंगे सबिल सर। और एक मौका, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करता, एक रन मुकम्मल। अच्छी फील्डिंग वहां पे गुफरान सर की, लेकिन गिर के रोके बॉल को, होता है, नाइट का मैच है। अच्छी कोशिश गुफरान सर की, 4 गेंदे 4 रन, फिर से मैच को रोमांचक बना दिया यहाँ अनवर शहदा सर ने। लेकिन सेट बल्लेबाज क्रिस पे अभी भी मौजूद। अगली गेंद का सामना करेंगे साजिश सर, 4 गेंदे 4 रन, फिर से अच्छी गेंद, देखना है क्या 2 ले पाते हैं। और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जब तक फील्डर फील्ड करते सरोज सर, 2 रन मुकम्मल, 3 गेंदे 2 रन। संभल के खेल रहे हैं साजिश सर, जोखिम नहीं उठा रहे हैं, जानते हैं कि बॉल टू बॉल रन चाहिए। 3 बॉले 2 रन, अटैकिंग फील्ड के मूड में एफआर सर सही कर रहे हैं, अटैकिंग मूव एफआर सर का। अच्छा मैच यहाँ पे खींचा है डायमंड वॉरियर ने, 3 गेंदे 2 रन, सामना करेंगे साजिश सर। और रेहान सर के पास ये बॉल, लेकिन 4 रन। अगला मैच जल्द से जल्द शुरू करें, और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच बने हैं वो है तनवीर सर। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज स्टेज की तरफ आए तनवीर सर। तनवीर सर, रियान राइडर्स और जरूर सोल्जर्स,